नमस्कार, मैं राज किशोर बिष्ट फॉर्मल लैंग्वेज एंड ऑटोमेटा थ्योरी की लेक्चर सीरीज के पूर्व के लेक्चर में हमने डीएफए तथा एनएफए के बारे में सीखा था। इस लेक्चर में हम एनएफए को डीएफए में बदलना सीखेंगे। आइए इस लेक्चर के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं। सर्वप्रथम हम डीएफए तथा एनएफए की परिभाषाओं को दोहराएंगे। कन्वर्जन के लिए प्रयुक्त होने वाले नोटेशंस को देखेंगे। एनएफए को डीएफए में बदलने की एल्गोरिथम सीखेंगे। कुछ उदाहरणों के माध्यम से एनएफए को डीएफए में बदलना सीखेंगे। आइए सबसे पहले एनएफए तथा डीएफए की परिभाषाओं को देखते हैं। डीएफए को हम पांच एलिमेंट्स के सेट एमडी इक्वल टू क्यूडी सिग्मा डेल्टा डी Q0, FD के रूप में दिखाते हैं, जहां QD स्टेट्स के सेट को, सिग्मा अल्फाबेट को, डेल्टा QD क्रॉस सिग्मा से QD में ट्रांजिशन फंक्शन को, Q0 प्रारंभिक स्टेट को तथा F फाइनल स्टेट्स की सेट को दिखाता है। यहां पर D डिटर्मिनिस्टिक के लिए प्रयोग किया गया है। NFA को हम पांच एलिमेंट्स के सेट MN इक्वल QN सिग्मा डेल्टा N Q0 FN के रूप में दिखाते हैं, जहां QN स्टेट्स के सेट को, सिग्मा अल्फाबेट को, डेल्टा QN क्रॉस सिग्मा यूनियन लैम्डा से पावर सेट QN में ट्रांजिशन फंक्शन को, Q0 प्रारंभिक स्टेट को तथा FN फाइनल स्टेट्स की सेट्स को दिखाता है। यहां पर N नॉन डिटर्मिनिस्टिक के लिए प्रयोग किया हुआ है, ताकि हम DFA तथा NFA में अंतर कर सकें। लैम्डा क्लोजर ऑफ ए स्टेट। NFA में हम एक सिंबल का उपयोग किए बिना एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा सकते हैं। इसे लैम्डा ट्रांजिशन के रूप में परिभाषित किया जाता है। अब हम किसी स्टेट के लिए लैम्डा क्लोजर को परिभाषित करते हैं। किसी स्टेट क्यू का लैम्डा क्लोजर उन सभी स्टेट्स का एक सेट है जिन पर क्यू से बिना किसी इनपुट सिंबल का उपयोग किए हुए पहुंचा जा सकता है। दिखाए गए डायग्राम में स्टेट Q0 के लिए लैम्डा क्लोजर एक सेट Q0, Q1, Q2 होगा। एल्गोरिथम फॉर NFA टू DFA कन्वर्जन। माना कि MN इक्वल टू QN सिग्मा डेल्टा N Q0 FN एक दी गई NFA है तथा MD इक्वल टू QD, सिग्मा डेल्टा D, Q0 ब्रैकेट्स के अंदर FD इसके लिए एक DFA है। यहाँ पर QD पावर सेट QN का एक सबसेट होगा। NFA से DFA में कन्वर्जन निम्नलिखित चरणों के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। 1. MN की प्रारंभिक स्टेट Q0, MD की प्रारंभिक स्टेट Q0 ब्रैकेट के अंदर जो लिखी गई है इसको हम बनाएंगे। 2. DFA की प्रारंभिक स्टेट Q0 से किसी सिंबल X बिलोंग्स टू सिग्मा के लिए ट्रांजिशन निकालने के लिए निम्न स्टेप का प्रयोग करेंगे। I यदि डेल्टा N Q0 X इक्वल टू 5 हो तो डेल्टा D Q0 ब्रैकेट्स के अंदर लिखा गया है X इक्वल टू 5 होगा, अर्थात लेबल 5 की एक नई स्टेट DFA में जोड़ेंगे। 2. यदि डेल्टा N Q0 X इक्वल टू QI हो तो डेल्टा D Q0 ब्रैकेट्स के अंदर जो लिखा गया है X इक्वल टू QI ब्रैकेट्स के अंदर जो लिखा गया है यह होगा, अर्थात लेबल QI विद इन ब्रैकेट्स की एक नई स्टेट DFA में जोड़ेंगे। 3. यदि डेल्टा N Q0 X इक्वल टू QI1 QI2 .. QIN अर्थात एक सेट हो तो डेल्टा D Q0 विद इन ब्रैकेट्स X इक्वल टू यही सेट QI1 QI2 अप टू QIN होगा, अर्थात लेबल QI1 QI2 QIN पूरा जो सेट बना हुआ है इस लेबल की एक नई स्टेट हम DFA में जोड़ेंगे। 3. स्टेप 2 में प्राप्त प्रत्येक स्टेट के लिए ट्रांजिशंस निम्न तरीके से हम निर्धारित करेंगे। पहला, स्टेट 5 में प्रत्येक सिंबल के लिए ट्रांजिशन 5 में ही होगा। 2.
स्टेट qi1, qi2, qin में से किसी सिंबल x बिलोंग्स टू सिग्मा के लिए ट्रांजिशन निम्न तरीके से निकालेंगे। डेल्टा d qi1, qi2, qin, x इक्वल टू डेल्टा n qi1, x यूनियन। इसी प्रकार से प्रत्येक अलग अलग का सबका यूनियन निकालते हुए सबकी वैल्यूज और इन सबका यूनियन हम निकालेंगे, अर्थात लेवल में दी गई हर एक स्टेट के लिए तथा सिंबल x के लिए NFA में ट्रांजिशन देखेंगे तथा सबका यूनियन निकालेंगे। 4. स्टेप 3 को तब तक दोहराएंगे जब तक नई स्टेट्स बनने की प्रक्रिया समाप्त ना हो जाए। 5. DFA की प्रत्येक स्टेट जिसके लेवल में NFA की कोई भी फाइनल स्टेट हो वह स्टेट भी फाइनल स्टेट होगी। 6. यदि NFA लैम्डा को एक्सेप्ट करता हो तो प्रारंभिक स्टेट Q0 ब्रैकेट्स के अंदर फाइनल स्टेट होगी। 7. यदि किसी स्टेट के लिए लैम्डा ट्रांजिशन डिफाइन किया गया हो तो उस स्टेट के बदले उसका लैम्डा क्लोजर लेंगे। इस प्रकार से हम किसी दी हुई NFA के लिए DFA बना सकते हैं। आइए उदाहरण के माध्यम से इसे समझते हैं। यहाँ पर दिखाए गए डायग्राम में हमें एक NFA दी गई है जो कि लैंग्वेज L इक्वल टू AA BB AA B को एक्सेप्ट करती है। पूर्व में बताई गई एल्गोरिथम को हम इस पर अप्लाई करते हैं। क्योंकि Q0 NFA की प्रारंभिक स्टेट है अतः Q0 ब्रैकेट के अंदर DFA की प्रारंभिक स्टेट होगी। अब हम Q0 ब्रैकेट के भीतर जो लिखा गया है इससे A तथा B के लिए ट्रांजिशन निकालेंगे। क्योंकि डेल्टा एन क्यू जीरो ए इक्वल टू क्यू वन दिया गया है अतः डेल्टा डी क्यू जीरो ब्रैकेट्स के भीतर कॉमा ए इक्वल टू क्यू वन एक सेट के फॉर्म में जो लिखा गया यह होगा। तथा क्योंकि डेल्टा एन क्यू जीरो बी इक्वल टू क्यू टू दिया गया है अतः डेल्टा डी क्यू जीरो ब्रैकेट्स के भीतर कॉमा बी इक्वल टू क्यू टू ब्रैकेट्स के भीतर यह होगा। नई बनी हुई स्टेट्स Q1 ब्रैकेट के भीतर लिखी गई है तथा Q2 ब्रैकेट के भीतर जो लिखी गई है को हम DFA में जोड़ेंगे। इस प्रकार से अभी तक हमारे पास DFA में तीन स्टेट्स बन चुकी हैं जैसा कि आप दिखाए गए डायग्राम में देख रहे हैं। अब हम Q1 से ब्रैकेट्स के भीतर जो लिखा है से A तथा B के लिए ट्रांजिशन निकालेंगे। क्योंकि डेल्टा एन क्यू वन ए इक्वल टू क्यू टू क्यू थ्री एक सेट है अतः डेल्टा डी क्यू वन ए इक्वल टू क्यू टू क्यू थ्री का सेट होगा, अर्थात एक नई स्टेट जिसका लेबल क्यू टू क्यू थ्री होगा वह हमें मिलेगी। क्योंकि डेल्टा एन क्यू वन बी इक्वल टू फाइव है अतः डेल्टा डी क्यू वन बी इक्वल टू फाइव होगा, यहाँ पर फाइव एक नई स्टेट होगी। इस प्रकार से अभी तक हमारे पास डी एफ ए में 5 स्टेट्स बन चुकी हैं जैसा कि आप दिखाए गए डायग्राम में देख रहे हैं। अब हम Q2 से A तथा B के लिए ट्रांजिशन निकालेंगे। क्योंकि डेल्टा एन क्यू टू ए इक्वल टू फाइव है अतः डेल्टा डी क्यू टू ब्रैकेट के भीतर जो लिखा गया है कॉमा ए इक्वल टू फाइव होगा। स्टेट 5 हम पहले ही बना चुके हैं क्योंकि डेल्टा एन क्यू टू बी इक्वल टू क्यू फोर है अतः डेल्टा डी क्यू टू ब्रैकेट्स के भीतर कॉमा बी इक्वल टू क्यू फोर होगा, यहाँ पर क्यू फोर एक नई स्टेट होगी। इस प्रकार से अभी तक हमारे पास डीएफए में 6 स्टेट्स बन चुकी हैं जैसा कि आप दिखाए गए डायग्राम में देख रहे हैं। क्योंकि फाइव एक डेड स्टेट है अतः फाइव से ए तथा बी के लिए ट्रांजिशंस फाइव में ही होंगे। अब हम क्यू टू क्यू थ्री तथा क्यू फोर से ए तथा बी के लिए ट्रांजिशंस निकालेंगे। क्योंकि डेल्टा एन क्यू फोर ए इक्वल टू फाइव है अतः डेल्टा डी क्यू फोर ब्रैकेट के भीतर लिखा गया है कॉमा ए इक्वल टू फाइव होगा। तथा क्योंकि डेल्टा एन क्यू फोर बी इक्वल टू फाइव है अतः डेल्टा डी क्यू फोर ब्रैकेट के भीतर कॉमा बी इक्वल टू फाइव होगा। क्योंकि स्टेट क्यू टू क्यू थ्री जो सेट के फॉर्म में लिखी गई है दो स्टेट से मिलकर बनी है अतः Q2 Q3 से ट्रांजिशंस निकालने के लिए एल्गोरिथम में बताए गए नियम को प्रयोग करने पर डेल्टा D Q2 Q3 A इक्वल टू
डेल्टा एन क्यू टू ए यूनियन डेल्टा एन क्यू थ्री ए होगा, क्योंकि डेल्टा एन क्यू टू ए इक्वल टू फाइव है तथा डेल्टा एन क्यू थ्री ए इक्वल टू फाइव है, अतः फाइव तथा फाइव का यूनियन लेने पर डेल्टा डी क्यू टू क्यू थ्री कॉमा ए इक्वल टू फाइव होगा। इसी प्रकार से डेल्टा डी क्यू टू क्यू थ्री कॉमा बी इक्वल टू डेल्टा एन क्यू टू बी यूनियन डेल्टा एन क्यू थ्री बी होगा, क्योंकि डेल्टा एन क्यू टू बी इक्वल टू क्यू फोर है तथा डेल्टा एन क्यू थ्री बी इक्वल टू फाइव है, अतः क्यू फोर तथा फाइव का यूनियन लेने पर डेल्टा डी क्यू टू क्यू थ्री कॉमा बी इक्वल टू क्यू फोर होगा। यहाँ पर अब कोई नई स्टेट नहीं बनी है तथा सभी स्टेट्स के लिए ट्रांजिशंस डिफाइन किए जा चुके हैं, अतः नई स्टेट्स बनाने की प्रक्रिया यहाँ पर समाप्त होती है। यहाँ पर डायग्राम में सभी स्टेट्स तथा ट्रांजिशंस दिखाए गए हैं। अब हमें फाइनल स्टेट्स का निर्णय करना है, क्योंकि NFA में Q3 तथा Q4 फाइनल स्टेट्स हैं, अतः वो सारी स्टेट्स जिनमें Q3 अथवा Q4 आ रहा हो फाइनल स्टेट्स होंगी, अर्थात Q2 Q3 तथा Q4 फाइनल स्टेट होंगी। Q2 Q3 तथा Q4 को फाइनल स्टेट्स बनाने पर हमें दी गई NFA के लिए DFA प्राप्त होती है। दिखाया गया डायग्राम DFA को रिप्रेजेंट करता है। अभी जो उदाहरण हमने देखा उसमें लैम्डा ट्रांजिशन डिफाइन नहीं था। अब हम एक दूसरा उदाहरण लेते हैं जिसमें लैम्डा ट्रांजिशन डिफाइन किया गया हो। यहाँ पर दिखाए गए डायग्राम में हमें एक NFA दी गई है जो कि AB अथवा B से प्रारंभ होने वाली A, B की सभी स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट करती है। यहाँ पर Q0 से Q1 में लैम्डा ट्रांजिशन डिफाइन किया गया है, अतः हम Q0 का लैम्डा क्लोजर निकालेंगे। Q0 का लैम्डा क्लोजर Q0 Q1 होगा। हम Q0 के स्थान पर इसके लैम्डा क्लोजर को लेंगे, अतः DFA की प्रारंभिक स्टेट Q0 Q1 होगी। अब हम Q0 Q1 से A तथा B के लिए ट्रांजिशंस निकालेंगे। डेल्टा डी Q0 Q1 A इक्वल टू डेल्टा एन Q0 A यूनियन डेल्टा एन Q1 A होगा, क्योंकि डेल्टा एन Q0 A इक्वल टू Q1 है तथा डेल्टा एन Q1 A इक्वल टू फाइव है, अतः Q1 तथा फाइव का यूनियन लेने पर डेल्टा डी Q0 Q1 कॉमा A इक्वल टू Q1 होगा। इसी प्रकार से डेल्टा डी Q0 Q1 कॉमा B इक्वल टू डेल्टा एन Q0 B यूनियन डेल्टा एन Q1 B होगा, क्योंकि डेल्टा एन Q0 B इक्वल टू फाइव है तथा डेल्टा एन Q1 B इक्वल टू Q2 है, अतः फाइव तथा Q2 का यूनियन लेने पर डेल्टा डी Q0 Q1 कॉमा B इक्वल टू Q2 मिलेगा। नई बनी हुई स्टेट्स Q1 तथा Q2 ब्रैकेट के भीतर जो लिखी गई हैं को हम DFA में जोड़ेंगे। इस प्रकार से अभी तक हमारे पास DFA में 3 स्टेट्स बन चुकी हैं, जैसा कि आप दिखाए गए डायग्राम में देख रहे हैं। अब हम Q1 से A तथा B के लिए ट्रांजिशंस निकालेंगे, क्योंकि डेल्टा एन Q1 A इक्वल टू फाइव है, अतः डेल्टा डी Q1 A इक्वल टू फाइव होगा। यहाँ पर फाइव एक नई स्टेट होगी, क्योंकि डेल्टा एन Q1 B इक्वल टू Q2 है, अतः डेल्टा डी Q1 B इक्वल टू Q2 होगा। स्टेट Q2 को हम पहले से ही जोड़ चुके हैं। अब हम Q2 से A तथा B के लिए ट्रांजिशंस निकालेंगे, क्योंकि डेल्टा एन Q2 A इक्वल टू Q2 है, अतः डेल्टा डी Q2 A इक्वल टू Q2 होगा। क्योंकि डेल्टा एन Q2 B इक्वल टू Q2 है, अतः डेल्टा डी Q2 B इक्वल टू Q2 होगा। नई बनी हुई स्टेट फाइव को हम DFA में जोड़ेंगे। इस प्रकार से अभी तक हमारे पास DFA में 4 स्टेट्स बन चुकी हैं, जैसा कि आप दिखाए गए डायग्राम में देख रहे हैं। क्योंकि फाइव एक डेड स्टेट है, अतः फाइव से A तथा B के लिए ट्रांजिशंस फाइव में ही होंगे। अब यहाँ पर कोई नई स्टेट नहीं बनी है तथा सभी स्टेट्स के लिए ट्रांजिशंस डिफाइन किए जा चुके हैं, अतः नई स्टेट्स बनाने की प्रक्रिया यहाँ पर समाप्त होती है। यहाँ पर डायग्राम में सभी स्टेट्स तथा ट्रांजिशंस दिखाए गए हैं।
अब हमें फाइनल स्टेट्स का निर्णय करना है, क्योंकि NFA में Q2 एक फाइनल स्टेट है, अतः वो सारी स्टेट्स जिनमें Q2 आ रहा हो फाइनल स्टेट्स होंगी, अर्थात Q2 एक फाइनल स्टेट होगी। Q2 को फाइनल स्टेट्स बनाने पर हमें दी गई NFA के लिए DFA प्राप्त होती है। दिखाया गया डायग्राम DFA को रिप्रेजेंट करता है। यदि आप इस DFA को देखें तो यह भी AB अथवा B से प्रारंभ होने वाली AB की सभी स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट करता है। अतः इस प्रकार से हर एक NFA के लिए हम एक इक्विवेलेंट DFA बना सकते हैं। इस लेक्चर में हमने किसी दी गई NFA को DFA में बदलने की एल्गोरिथम सीखी तथा विभिन्न प्रकार के उदाहरणों द्वारा इसका प्रयोग करना सीखा। अगले लेक्चर में हम रेगुलर लैंग्वेजेस की क्लोजर प्रॉपर्टी, रेगुलर एक्सप्रेशंस आदि के बारे में सीखेंगे। धन्यवाद।